सबसे पहले नंबर पर इन्होंने जिक्र किया है लहजात को, आँख का तस्करा किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इंसान कभी कभार अचानक में उसकी निगाह पड़ जाती है, अचानक में, तो क्या उस पर भी गुनाह होगा? क्या जवाब दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? उसका क्या जवाब दिया? पहली में कोई पकड़ नहीं, पहली में कोई पकड़ नहीं, तो फिर किस में पकड़ है? दूसरी मर्तबा में है, पहली में पकड़ नहीं है, पकड़ किस में है? दूसरी मर्तबा में है। ला तुतबिइन नज़रतन नज़रा, ला तुतबिइन नज़रतन नज़रा, यानी इंसान एक के बाद एक और निगाह ना छोड़े, एक तरफ निगाह गई तो फिर पलट करके फिर दोबारा उसकी तरफ, यानी पहली मर्तबा में बिला कस्दो इरादा उसकी निगाह पड़ी, अब दोबारा जब करेगा तो फ़इन्नमा लकल ओला वलैसत लकल आखिरा, पहली निगाह चूँकि बिला कस्दो इरादा थी इसलिए उस पर आपको गुनाह नहीं मिला, लेकिन दूसरी मर्तबा में गुनाह मिलेगा। एक शख्स सोचता है कि दूसरी मर्तबा में गुनाह मिलेगा, पहली माफ़ है, तो पहली ही टिका के रखें, पहली माफ़ है ना, अहादीस में है पहली माफ़ है, तो हम दूसरे का चक्कर ही नहीं करें, एक ही मर्तबा भरपूर तरीके से निगाह हटाए ही नहीं, कसद में जाएगा। हसंत, जो बिला इरादे वाली बात थी फजअतन, अचानक, अचानक में कोई इरादा इंसान का नहीं होता, और जब इरादा शामिल हो जाए तो ये अमल है, इरादा शामिल हो जाए तो जैसा वो सही है तीन सही है तुम इस लोहा। तो अगर कोई इंसान अमल कर लेता है तो फिर उसका बदला उसको, उसका जजा उसको मिलेगा, अगर अच्छा किया है तो अच्छा और बुरा किया है तो बुरा, ये अमल है, लेकिन जिस्म का अमल नहीं, दिल का अमल है, दिल के इरादे से, वरना निगाह उसकी एक ही है, लेकिन पहली मर्तबा में उसे गुनाह नहीं मिला इस अमल पर, और दूसरी मर्तबा में उसे गुनाह मिला, क्योंकि पहली मर्तबा में दिल ने उसका इरादा नहीं किया और दूसरी मर्तबा में दिल ने उसका पूरा पूरा इरादा किया। अगर वही इरादा पहली बार ही में आ जाए, पूरे इरादे के साथ ही में निगाह उठाए, यानी कि अचानक पड़ी और रोक लिया, वो पूरे प्रोग्राम के साथ ही में पहली मर्तबा उठाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, प्रोग्राम बना करके उस तरह उठाता है, सकते हो पोस्टर लगा हुआ है, ठीक, पोस्टर, लेकिन कई तरह के लोग पोस्टर निकालते हैं, तो उन पोस्टरों को देखने के लिए इंसान कसद करे। मोबाइल की दुनिया में तो पोस्टर का तो मसला ही ख़त्म हो गया है, मोबाइल की दुनिया में इंसान उन तस्वीर को देखने का कसद करे, तस्वीर हो चाहे वीडियो हो या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो गुनाह हैं, कसद करे कि जिस पर उसकी निगाह जाए, तो ये कसदन है या बिला कसद है? कसदन, उसी का उसने शुरू ही से प्रोग्राम बनाया, तो ये उसमें नहीं आएगा जिसको मुआफ़ी वाला मसला है। अल्लाह ज़ात कहते हैं नज़रतुन फ़ब्तिसामतुन नज़रतुन, ये किसी और ने कहा, मुअल्लिफ़ की बात नहीं है, नज़रतुन फ़ब्तिसामतुन, आगे कोई बताएंगे? नज़रतुन फ़ब्तिसामतुन फ़सलामुन फ़कलामुन फ़मौइदुन फ़लिक़ाउ, नज़रतुन फ़ब्तिसामतुन फ़सलामुन फ़कलामुन फ़मौइदुन फ़लिक़ाउ, ये उन मरातिब का ज़िक्र है जो आम तौर पर बुराई के रास्ते में आता है। लोग कहते हैं कि इख्तलात से क्या होता,
तालीम के मैदान में इख्तलात यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई, उससे नीचे में भी जिसको बिल्कुल ही बुरा नहीं समझा जाता पाई जाती है। कहते हैं इसमें क्या है, उसमें कोई हरज की चीज़ समझ में नहीं आती उमूमी तौर पर। और कहा जाता है कि हर एक का अपना अपना ईमान, अगर बुरा ईमान लेकर जाओगे तो तुम्हारा वो ख़राब हो जाएगा, अगर अच्छे ईमान से जाओगे तो कुछ नहीं। इस तरह से लोग आहिस्ता आहिस्ता शैतान का जो इस्तिदराजी तरीक़ा है, फिर वो उसके अंदर पूरे तौर पर घसीट करके और मैदान के अंदर उसे ले जा करके और पहुंचा देता है। नज़रतुन फ़ब्तिसामतुन फ़सलामुन फ़कलामुन फ़मौइदुन फ़लिक़ाओ, ऐसे यहाँ मौलिफ ने कहा अल्लाहज़ात, आगाज़ यहीं से होता है। इंसान की जब निगाह उठती है तो उसके बाद दिल के अंदर वो सबसे आना शुरू होते हैं। इसीलिए मोमिनों को क्या कहा गया, कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दु मिन अबसारिहिम, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो यहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम, गोया कि अगर निगाह आप नहीं हुई उठाना बंद करेंगे तो फर्ज की हिफाजत आप नहीं कर सकेंगे, मुश्किल है, मुश्किल है। एक इंसान कहता है कि बग़ैर खाना खाए हम पेट को सैराब कर देंगे, बग़ैर खाना खाए, ऐसा होता है दुनिया में, ये बात तो समझ में आ जाती है कि खाना खाएंगे तो पेट भरेगा। ये बात समझ में नहीं आती कि बुराई का वजूद कहाँ से आता है। कहते हैं हमारा और आपका दिल पाक है, बस काफ़ी है, असबाब को कोई दर्जा और उसका कोई मकाम नहीं दिया जाता बुराई के मैदान में। इसलिए मर्दोजन के इख्तलात को चौपट, उसके दरवाज़े चौपट खोल दिए गए और यहाँ से ये मामला ख़तरनाक पोजीशन में आ गया।